सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रम्मी वोरिया प्ले ऑनलाइन ऐप के बारे में। अगर आप भी ये ऐप यूज़ कर रहे हैं और आप भी इस ऐप में निकनेम चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ऐप में निकनेम चेंज कैसे कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी ऐप से रिलेटेड, कोई भी फ़ोन से रिलेटेड, कोई भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड, UPI से रिलेटेड, पेटीएम से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी दिक्कत आता है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम वहाँ से भी सॉल्व नहीं होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ऐप को करना है आपको ओपन। ऐप को आप ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऊपर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इनबॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है, हेल्प का ऑप्शन मिल जाता है, विड्रो का ऑप्शन मिल जाता है और ऊपर मिल जाता है आपको प्रोफाइल फ़ोटो का। तो प्रोफाइल फ़ोटो का ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर आपको प्रोफाइल फ़ोटो के जस्ट नीचे आपको पेंसिल का आइकन देखने को मिलेगा। पेंसिल के आइकन पर करना है आपको क्लिक। क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको निकनेम का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने पहले से कोई निकनेम डाल रखा है तो उसको कर लेना है आपको रिमूव। रिमूव करने के बाद में जो निकनेम आपको चाहिए वो निकनेम यहाँ पे आपको डाल देना है। डालने के बाद में यहाँ पे आपको ओके के ऑप्शन पर करना है। यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो जो आपका निकनेम है वो चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप निकनेम चेंज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।